मैंने कोशिश तो की थी नीरज जी कि मैं प्रथम को अच्छे से पढ़ाऊं, लेकिन आप अपने घर का माहौल ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? सिर्फ मेरे पढ़ाने से तो प्रथम पास नहीं हो जाएगा ना। ये क्या तरीका, कहाँ लेके थे आप मेरे बच्चों को मुझसे पूछे बिना? घुमाने माला जी, अब बच्चे तो भगवान का रूप होते है ना। हाँ, पर नीरज इस बात को समझे तब ना। माँ बाप अपना गुस्सा बच्चों पे उतार देते हैं और ये भी नहीं सोचते इन भोले भाले बच्चों की गलती क्या है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रथम जरूर पास होगा, मैं पढ़ाऊंगी उसे। प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगाता है। अगर वो दिमाग लगाए ना तो वो बहुत अच्छा निकलेगा। माँ जी नमस्ते। माला जी नमस्ते। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूं। माला जी आने के लिए थैंक यू सो मच। देखिए पहले क्या हुआ, किसने क्या कहा, अब प्लीज इस पर दिमाग मत लगाइए। अब आप सिर्फ प्रथम को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। मैं तो चाहूंगा कि आप उसे रेगुलर पढ़ाएं आगे भी, पर अगर आप नहीं भी पढ़ाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर जब तक बोर्ड के एग्जाम्स हैं तब तक तो प्लीज उसे पढ़ाइए। जी ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी उसे। थैंक यू। और हाँ प्लीज देखिएगा कि वो पास जरूर हो जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी, पास होना चाहिए। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। अकेले मेरे करने से कुछ नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम तक आपको अपने घर का माहौल ठीक रखना पड़ेगा। प्रथम पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ समझाना भी हो तो प्यार से समझाइए, डांट कर नहीं। उससे बातें कीजिए, समय दीजिए उसे, फिर देखिएगा वो जरूर पास होके दिखाएगा। जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे। मैं उसे भेजता हूं पढ़ने के लिए। मम्मी अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों इतनी बेचैन हो? पहले तू बता कि तू क्यों इतनी परेशान है। तू तो हर मर्ज का इलाज झट से ढूंढ लेती है, फिर क्या बात है? मम्मी मैं इलाज तो ढूंढ लूं, लेकिन पहले पूरी बीमारी का तो पता चल जाए। ये कौन सी बीमारी की बात कर रही है तू? यही भाभी वाली बीमारी। कल से वो कंपनी ज्वाइन कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने इस हफ्ते काम किया है ना, वो कंपनी को फिर से पटरी पे ले आएंगी बहुत जल्दी। हाँ हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, हम भी तो यही चाहते हैं। मम्मी आप समझ नहीं रही हो, सिर्फ कंपनी ज्वाइन करने के नाम पर भाभी ने पूरे एक हफ्ते भैया को अपनी उंगलियों पे नचाया है। अगर भाभी ने कंपनी ज्वाइन करके कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाकर कंपनी को फिर से पहले वाली पोजीशन पे पहुंचा दिया तो फिर सोचो क्या होगा। क्या होगा? भैया को हर समय
कंपनी में उनकी उंगलियों पे ही नाचना होगा। भैया सिर्फ नाम के ही एमडी रहेंगे और कंपनी का सारा फैसला सिर्फ भाभी के हाथ में होगा। ऑफिस का काम, फैक्ट्री का काम, मार्केट से डीलिंग सब भाभी के हाथ में। तू तो ऐसे कह रही है जैसे अमर कुछ करेगा ही नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। वो कुछ करेंगे भी ना तो सब भाभी की सलाह लेकर ही करेंगे, बिना भाभी से पूछे नहीं, क्योंकि एक बार तो कंपनी डूब ही चुकी है, अब वो दोबारा डुबाना नहीं चाहेंगे। भाभी अब भैया के सर पे चढ़ के बैठेगी। भाभी मालकिन और भैया गुलाम, बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। चिंता की बात तो है बेटा, पर कुछ ही दिन ना, जैसे ही वसीयत हमारे नाम हो जाएगी तू देखना अमर फिर से मालिक बन जाएगा और वसुधा गुलाम। अच्छा, और भाभी ने फिर से कंपनी का काम छोड़ दिया तो छोड़ दे, किसे फर्क पड़ेगा। वसीयत मिलने के बाद में उसकी जरूरत ही किसे है, जहां चाहे वहां जाए। आपको लगता है कि भाभी के नहीं रहने पर भैया फिर से कंपनी संभाल लेंगे? क्यों नहीं संभाल लेगा, उसके हाथ में चाचा जी की जायदाद जो आ जाएगी। मम्मी कंपनी सिर्फ जायदाद से नहीं चलती, अगर चलती होती ना तो कंपनी की आज ये हालत नहीं होती। कंपनी अनुभव और तजुर्बे से चलती है और भैया के पास इन दोनों चीजों की कमी है, ये आप भी जानते हैं। यही चिंता मुझे खाए जा रही है कि इस बीमारी का इलाज मैं कैसे ढूंढूं। कुछ तो सोचना ही होगा। आइडिया आया है जिससे वसुधा के जाने पर भी कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच मम्मी, क्या आइडिया है बताओ। आइडिया ये है कि तू, नहीं नहीं रहने दे, नहीं तो पहले की तरह ये आइडिया भी मेरे ही मथे मर जाएगा। बताओ ना मम्मी, क्या आइडिया है। नहीं बताऊंगी, पहले भी खाना बनाने वाला आइडिया बताया था, तब खाना बनाने वाला ठीकरा तूने मेरे ही सर पर फोड़ दिया था और खुद हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई थी। अब वो बात छोड़ो ना मम्मी, अब वो तो खाना बनाने वाली बात थी, अब यहाँ थोड़ी ना कोई खाना बनाना है। आपका जो भी आइडिया है उसमें आप जो भी कहोगे मैं सब कुछ करूंगी, बताओ ना प्लीज। अभी नहीं, पहले वसीयत बन जाने दे, तू अपना पूरा ध्यान वसीयत वाले काम पर लगा। अभी पहले फोन से पूछ कि वकील कब आ रहा है, काम कहां तक हुआ। मम्मी बात को घुमाइए मत, मुझे भी वसीयत वाले काम की उतनी ही चिंता है जितनी आपको। और मैं तो कहूंगी कि आपसे ज्यादा ही चिंता है मुझे, क्योंकि पैसा तो मेरा फंसा हुआ है, रिस्क तो मेरी है। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, तू अपने रिस्क का डबल भी तो ले रही है ना। अभी जितना कह रही हूँ उतना कर, वसीयत वाले काम पर ध्यान दे। मतलब आप आइडिया नहीं बताए। नहीं, मुझे दोबारा नहीं फंसना है अपने ही आइडिया में। मम्मी आप कुछ भी कहो पर आइडिया तो मैं आपसे उगलवा के ही रहूंगी।
अब ज्यादा देर आइडिया आपके पेट में टिक नहीं पाएगा। बच्चों क्या बात है, आज मामा से कहानी नहीं सुननी है क्या? मुझे मालूम है तुम दोनों मामा से नाराज हो ना। मामा ने आज तुम पे हाथ जो उठाया है, मुझे भी बहुत दुख है बेटा। मैंने आज तक तुम पे हाथ उठाना तो दूर, ऊंची आवाज से तुम्हें डांटा तक नहीं है, पर आज आज मामा को गुस्सा आ गया था ना। अब मामा कभी तुम पे हाथ नहीं उठाएगी। प्लीज मामा को माफ कर दो। अब गलती तो तुम दोनों की भी है ना, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था मुझे बिना बताए उन अंकल के साथ। पता है तुम दोनों को ना देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। कहां कहां ढूंढा तुम्हें मम्मा ने, थोड़ी देर और तुम नहीं आते ना तुम्हें तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं डर गई थी बेटा, तुम दोनों ही तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मानती हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज मामा को माफ कर दो। मामा मैंने तो आपको माफ कर दिया, पर चिराग ने आपको किया कि नहीं आप उससे पूछ लो। चिराग बेटा आप माफ नहीं करोगे मामा को? नहीं करूंगा। क्यों? आप मुझे रोज राजा रानी वाली कहानी सुनाते हो, जंगल वाली कहानी नहीं सुनाते हो, इसीलिए। अच्छा अगर मैं जंगल वाली कहानी सुनाऊं तब तो मुझे माफ कर दोगे ना? हाँ कर दूंगा, लेकिन कहानी में शेर और भालू दोनों होने चाहिए। अच्छा। तभी माफ करूंगा। ठीक है मैं तुम्हें जंगल वाली कहानी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम दोनों को एक बात समझानी है। बेटा आज तुम लोग जिन अंकल के साथ घूमने गए थे ना, हम उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। पता नहीं वो अंकल अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं क्या पता। तुम लोग अभी छोटे हो ना, तुम ये बात नहीं समझते। मामा बड़ी है ना, मामा ये बात समझ जाती है। जब मामा को लगेगा कि वो अंकल अच्छे हैं, उनके साथ कहीं भी जाने में कोई बुराई नहीं, मामा आपको उनसे मिलने के लिए कभी नहीं रोकेगी। लेकिन बेटा जब तक मामा उनको अच्छे से जान ना ले परख ना ले, आप दोनों उनके साथ कहीं नहीं जाएंगे, उनके बुलाने पर भी नहीं। ठीक है मामा, हम फिर कभी नहीं जाएंगे। वो अंकल या और कोई भी शख्स तुम्हें कोई भी चीज दे बिल्कुल नहीं लेना, अपने साथ चलने को कहे बिल्कुल नहीं जाना जब तक मामा ना कहे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो अब सो जाओ, मामा तुम्हें कहानी सुनाती है, लेटो। एक जंगल में एक बंदर रहता था, है मेरे बंदर? और उसी में जंगल में एक शेर भी। आप किचन में क्या कर रहे हैं? नाश्ता बना रहा हूँ, और क्या। अरे पर क्यों, अब 7 दिन तो खत्म हो गए हैं ना, अब क्या जरूरत है आपको नाश्ता बनाने की? ओ हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, सुबह से मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाना है। चलो कोई नहीं, अब आ गया हूँ तो नाश्ता बना ही लेता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग काम है।
ये तो अच्छी बात है कि आपको काम में इंटरेस्ट आने लगा है, पर अब आपको किचन में काम करने की जरूरत नहीं। आप जाइए, तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बना लेती हूं। अरे बना ले दो ना, कितना क्रिएटिव काम। वसीयत हमारे नाम पर हो जाने के बाद भी हम उसे कंपनी से निकाल नहीं पाएंगे। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कब से, पर आप हैं कि समझती नहीं। आप जाइए, तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। अरे बना ले दो ना, कितना क्रिएटिव काम है। कुछ ना कुछ नया बना और झट से उसका रिजल्ट पा, अच्छा है या बुरा, है ना? सीरियल की टीआरपी का पता 10-15 दिन बाद चलता है, लेकिन इसका तुरंत हाथों हाथ। पता है मुझे। अच्छा आप जाइए, मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप टेस्ट करके इसकी टीआरपी बाद में बता दीजिएगा। अब जाइए भी। मतलब तुम मुझे नाश्ता नहीं बनाने दो? बिल्कुल नहीं। आप जाकर एक्सरसाइज कीजिए, 7 दिन से आपके एक्सरसाइज भी छूटी हुई है। तब तक मैं नाश्ता बना लूंगी, आज हमें साथ साथ ऑफिस जाना है। हाँ कितना अच्छा लगेगा ना, मैंने ऑफिस में भी सबको बोल दिया है कि तुम आज से ऑफिस ज्वाइन कर रही हो, सब बहुत एक्साइटेड। जानती हूँ, मुझे भी बहुत बेताबी है सबसे मिलने की। अब आप जाइए यहाँ से, देर हो रही है हम दोनों। जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादती है। हाँ किसी के हाथ से उसका इस तरह काम नहीं छीना जाता। ठीक है ठीक, नाटक नहीं। जाइए। हेलो मामा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मामा जी। आप आ गए वापस? हाँ बेटा, कल रात को वापस आ गया। अच्छा मैं कोर्ट निकल रहा हूँ, सोच रहा हूँ तुमसे मिलता हुआ जाऊँ। तो तुम हो अभी घर पे? जी मामा जी, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाइए। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ, फिर वहीं आकर बात करते हैं। जी ओके बेटा। मम्मी हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है जाओ, और अच्छे से काम करना दोनों। मम्मी भाभी बहुत खुश लग रही थी ना? हाँ तो भैया भी बहुत खुश लग रहे थे। तो तू कहना क्या चाहती है? यही कि कंपनी संभालते संभालते कहीं भाभी कंपनी की मालकिन ना बन बैठे और भैया यूं ही मुस्कुराते ना रह जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा है वो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसको। एक बार कंपनी की गाड़ी पटरी पर आ जाए फिर देखना वसुधा के साथ क्या करता है। कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी चलाना ना उनके बस की बात ही नहीं है। मजबूरी में ही सही, पर उन्हें भाभी को कंपनी में रखना ही पड़ेगा, और भाभी इसी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। जैसे घर में कराया था खाना बनवा के, तो मुश्किल हो जाएगी। वसीयत हमारे नाम पर हो जाने के बाद भी हम उसे कंपनी से निकाल नहीं पाएंगे। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कब से, पर आप हैं कि समझती नहीं। समझ तो गई हूँ मैं।
तो फिर कोई सलूशन ढूंढना पड़ेगा, जल्दी। इसे कैसे पीछा छुड़ाएं? ये सोचने में लगे हुए हैं। और आपके दिमाग में एक आइडिया आया था, वो भी आप भूल गई। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं कब से, पर आप हैं कि समझती नहीं। समझ तो गई हूं मैं, तो फिर कोई सलूशन ढूंढना पड़ेगा, जल्दी। मम्मी, कल आप कह रही थी कि कोई आइडिया आया था आपके दिमाग में। आइडिया? कौन सा आइडिया? अरे आप ही तो कल कह रही थी, भूल गई क्या? मैंने कितनी रिक्वेस्ट भी की थी आपको आइडिया बताने को, पर आपने बताया नहीं मुझे। अच्छा, वो तो मुझे याद ही नहीं है। अब क्या सोचा था मैंने? याद नहीं है? अरे ऐसे कैसे याद नहीं है? कल ही तो आइडिया सोचा था आपने और आज भूल भी गई। हाँ हाँ, तो दिमाग ही तो है, 50 चीजें सोचता है, निकल गया होगा दिमाग से। कमाल करती हो मम्मी आप, हम सब यहाँ सलूशन ढूंढने में लगे हुए हैं, हमारे सर पे जो आफत आने वाली है उसे कैसे पीछा छुड़ाएं ये सोचने में लगे हुए हैं, और आपके दिमाग में एक आइडिया आया था, वो भी आप भूल गई। हाँ तो भूल गई, क्या करूं, सोचती हूँ फिर से याद आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल की तरह आप आज भी मुझे अपना आइडिया बताना ना चाह रही हो और भूलने का सिर्फ नाटक कर रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं, सचमुच में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, और फिर समय तो है ना, कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। तू ज्यादा चिंता मत कर, तू अपना पूरा ध्यान वसीयत वाले काम पर लगा, और पता तो कर वो वकील कब तक आएगा, कहाँ तक काम हुआ है और कितने दिन लगेंगे। जब तक उसके सीने पर जाकर नहीं बैठोगी ना, तब तक काम नहीं होगा। ठीक है, मैं ये सब देखती हूँ, लेकिन आप भी सोचिए कि आपके दिमाग में क्या आइडिया आया था। हो सकता है उसी में हम सब की परेशानी का कोई हल हो। ठीक है, सोचती हूँ, जब एक बार दिमाग में आया था तो और आ जाएगा। हाँ सोचो। इसे क्या मालूम, मेरा दिमाग दोधारी तलवार की तरह चलता है, इधर भी उधर भी। जब तक सोच ना लूं कि आइडिया बताने में मेरा नुकसान नहीं है, तब तक मैं आइडिया नहीं बताने वाली हूँ। बस ये भूलने का नाटक करती रहूंगी ताकि ये मेरे पीछे ना पड़े। जरूर सुनाओ नूर मियां, तुम भी अपने दिल को हल्का कर लो। जिनके आने की खबर से फिजा में रौनक सी छा गई, उनके कदम ही क्या पड़े यहाँ पर, बाहर ही आ गई है। क्या बात है, वाह वाह वाह, या यूं कहो कि तुम्हारी सरकार आ गई है।